Hey, hello friends, this is Shyam Samanta. Welcome you all to my channel Power of Nutrition. आज के वीडियो में मैं क्विकली शेयर करने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ में फ्लैक्स सीड रेसिपीज. ना ऑफकोर्स जब मैं बोलता हूँ फ्लैक्स सीड रेसिपीज तो डेफिनेटली इसमें मेन इन्ग्रीडियंट जो है वो फ्लैक्स सीड नहीं है, बट कुछ दूसरे डिशेस में हम ऐड करने वाले हैं फ्लैक्स सीड जो सुपर फूड. जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेंशन किया था बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्लैक्स सीड के, आप ज़रूर वो वीडियो मेरा देखिए और आप जानेंगे कि क्यों आपको फ्लैक्स सीड डेफिनेटली आपके डेली डाइट में डेली मील्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, तो ज़रूर देखिए वो वीडियो. तो सबसे पहली रेसिपी है दोस्तों फ्लैक्स सीड बटर मिल्क छाछ विच यू कैन हैव ड्यूरिंग योर लंच. सेकेंड रेसिपी है दोस्तों फ्लैक्स सीड दाल फ्राई विच यू कैन हैव विथ योर डिनर. थर्ड रेसिपी है दोस्तों रागी डोसा या एनी डोसा या चिल्ला बना सकते हो. इसमें मैंने यूज़ किया है होल फ्लैक्स सीड. बाकी जो दूसरे रेसिपीज है उसमें मैंने ग्राउंडेड फॉर्म में फ्लैक्स सीड यूज़ किया है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको फ्लैक्स सीड जो है अगर उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से करना है तो डेफिनेटली ग्राउंडेड यानी ग्राइंड करके मिक्सी में ग्राइंड करके आपको उसको पाउडर फॉर्म में बना के उसको खाना है. फोर्थ रेसिपी है दोस्तों मल्टीग्रेन रोटी जिसमें हम फ्लैक्स सीड की पाउडर को ऐड करेंगे एंड यू कैन हैव इट फॉर योर डिनर. फिफ्थ रेसिपी है दोस्तों फ्लैक्स सीड रायता रेसिपी जो आप इंजॉय कर सकते हो विथ योर लंच. तो अगर आपको बटर मिल्क पसंद नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड बटर मिल्क छाछ रेसिपी के बदले आप इस रायता को भी कंज्यूम कर सकते हो जिसमें मैंने फ्लैक्स सीड को इंक्लूड किया है. लास्ट रेसिपी है दोस्तों ब्रेन बूस्टर स्मूदी जिसमें मैंने इंक्लूड किए हैं फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड इनफैक्ट वॉलनट एज वेल, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है ब्रेन बूस्टर स्मूदी. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें मैंने शेयर किए हैं ये फ्लैक्स सीड रेसिपीज. तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड को ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन. अभी मैं मिक्सी में फ्लैक्स सीड को ऐड कर रहा हूँ. मैं उतना ही फ्लैक्स सीड की पाउडर बनाऊंगा जितनी मुझे 1 वीक के कंजम्पशन के लिए चाहिए, क्योंकि फ्लैक्स सीड जो है वो पाउडर फॉर्म में करने के बाद में जल्दी से ख़राब हो जाती है अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो भी. हमें फ्लैक्स सीड को रोस्ट नहीं करना है बिफोर ग्राइंडिंग इट. ग्राइंड करते समय ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ 15-20 सेकेंड्स ग्राइंड करना है और फिर चेक कीजिए क्योंकि प्रॉपरली ग्राइंड हुआ है क्या नहीं, क्योंकि हमें जो फ्लैक्स सीड का ऑयल है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए. तो हमारी होम मेड फ्लैक्स सीड पाउडर रेडी है. आपको इसे स्मॉल बैचेस में ही बनाना है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है. आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो फ्रिज में फॉर अराउंड 2-3 वीक्स. बिफोर आई स्टार्ट द रेसिपीज दोस्तों याद रखिए कि मैंने ये सारे जो रेसिपीज है इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स हर एक मील में आप ये ले सकते हो और इंक्लूड कर सकते हो फ्लैक्स सीड. जिसके वजह से मैंने क्या किया है, मैंने हर एक रेसिपी में अराउंड 1/2 टेबल स्पून या 1/2 टीस्पून फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा पूरा दिन का जो डोज है अराउंड 2 टेबल स्पून के ऊपर ना जाए. तो ना उससे क्या हुआ कि हमें जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है फ्लैक्स सीड ओवर कंज्यूमिंग के वो ना हो. आप 2 टेबल स्पून की जगह पे 3 टेबल स्पून भी कंज्यूम कर सकते हो दिन में, लेकिन आप जो प्रोग्रेशन है राइट वो धीरे धीरे की मे बी 2-3 वीक्स के बाद में आप इंक्रीज कर सकते हो. तो दोस्तों सबसे पहले हमारी रेसिपी है फ्लैक्स सीड बटर मिल्क छाछ. इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 टेबल स्पून दही, नॉर्मल कर्ड, आप ग्रीक योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो इधर. इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और एज पर योर रिक्वायरमेंट, फिर पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर. अभी हम ऐड करने वाले हैं फ्लैक्स सीड पाउडर. जैसे मैंने पहले कहा हम पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि वो ठीक से अब्सॉर्ब हो, और हम 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड ऐड करने वाले हैं दोस्तों. अच्छे से मिला लीजिए, फिर हम ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स. Again, mix it well. And that's it. Our omega-3 fatty acid rich flaxseed buttermilk chaash is ready. ये definitely आपके digestion के लिए, hair growth के लिए, weight loss में भी help करेगा आपको. और एक refreshing summer drink भी होगा दोस्तों क्योंकि summer आ रहा है. सेकेंड रेसिपी दोस्तों फ्लैक्स सीड दाल फ्राई. और याद रखिए दोस्तों जो रेगुलर दाल हम कंज्यूम करते हैं बाजार से लेते हैं वो होती है पॉलिश दाल. उसमें से प्रोटीन, फाइबर काफ़ी हद तक निकल जाता है. तो वो दाल में जो फाइबर की कमी है अगर आप फ्लैक्स सीड को इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली फाइबर मिलेगा आपको, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, प्रोटीन भी एडअप हो जाएगा,
तो डेफिनेटली आपको डाल के साथ इंक्लूड करना चाहिए। फ्लैक्स सीड डाल के टेस्ट चेंज नहीं होगी एंड आई बेट यू विल एंजॉय दिस। हम इधर एक टेबलस्पून फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड करने वाले हैं हमारे कुक्ड दाल में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। जो भी आप दाल दिन में खाते हो, आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड उसमें ऐड करना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इजीली मिक्स हो जाएगा और एंजॉय कीजिए आपकी दाल जिसमें आपने ऐड किया है फाइबर और प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिंस और मिनरल्स। कैसे? फ्लैक्स सीड ऐड करके। थर्ड रेसिपी दोस्तों, रागी डोसा या एनी डोसा या चिल्ला बना सकते हो। आपको लेना है 1 कप रागी फ्लोर, 1/2 कप रवा सूजी, बिट ऑफ दही, उसमें जीरा ऐड करना है, मेथी पाउडर ऐड करो, उसमें पानी मिला के उसका बैटर बना दो। अलाउ इट टू रेस्ट फॉर 30 मिनट्स और उसके बाद में हमें फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं इसमें। बिट ऑफ ऑनियन, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड करी लीव्स। फॉर सम रीज़न आपको दाल के साथ खाना पसंद नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो ये मल्टीग्रेन रोटी विथ फ्लैक्स सीड, जिसमें आप फ्लैक्स सीड की पाउडर को इंक्लूड कर सकते हो। 1/3 कप रागी फ्लो, 1/3 कप जवार फ्लो, 1/3 कप बाजरा फ्लो, 1/3 कप होल व्हीट फ्लो, बिट ऑफ बेसन अगर आप चाहिए तो। और ये मेरे पास दोस्तों हेल्दी फैट्स पाउडर है जिसमें मैंने पम्पकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट को ग्राइंड किया है। Add some ghee on the top and that's it. अगर आप लंच में प्रेफर करते हो खाना वाइट राइस, तो याद रखिए दोस्तों वाइट राइस में फाइबर बहुत ही कम होता है, इनफैक्ट 0 फाइबर होता है दोस्तों उसके अंदर। तो उस केस में डेफिनेटली आप ये फ्लैक्सीड रिच, फाइबर रिच, यू नो सोल्युबल फाइबर और इनसोल्युबल फाइबर रिच छाछ और रायता को डेफिनेटली इंक्लूड करें, क्योंकि आप जो वाइट राइस खाओगे वो क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा, आपका इंसुलिन लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा। तो उस केस में अगर आप बटर में क्या रायता इंक्लूड करते हो, फाइबर मिलेगा आपको और दैट विल नॉट अलाउ योर इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल टू स्पाइक। डेफिनेटली डायबिटीज वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी। नेक्स्ट रेसिपी दोस्तों, फ्लैक्स सीड रायता। मैंने इधर लिया है टमाटो, ऑनियन, कुकुम्बर और हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, आप को टमाटो और कुकुम्बर क्लब नहीं करना है, कॉम्बिनेशन से कुछ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप आइदर ऑफ इट यानी कुकुम्बर का इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ या टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लेना है 3 टेबलस्पून कर्ड दही, इसको अच्छे से मिलाइए दोस्तों, अगर चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, अगर आपको चाहिए तो रेगुलर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, और 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी जीरा, और फाइनली हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगा दोस्तों, और ये मिक्स हो जाने के बाद में हम ऐड करेंगे हमारे चॉप्ड वेजिटेबल्स। स्टर इट वेल, फिर हम ऐड करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, एंड दैट्स इट।
Our flaxseed raita recipe is ready. नेक्स्ट रेसिपी है दोस्तों ब्रेन बूस्टर स्मूथी रेसिपी। इसके लिए हम प्लेन ओट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्वाकर ब्रांड का होल ओट्स है दोस्तों ये। सबसे पहले हम ओट्स को रोस्ट कर लेंगे फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। उसके बाद में ओट्स की पाउडर हमें बनानी है, इसलिए मिक्सी में डालकर उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों पम्पकिन सीड्स का, चिया सीड्स का, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट का, और इन सारे सीड्स को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। और ये जो पाउडर है हमें ओट्स की पाउडर के साथ में मिक्सी में मिक्स कर देना है। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ मिल्क, आप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिल्क में आप सोया आलमंड या रेगुलर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमें ऐड करना है बिट ऑफ टू सिलोन सिनेमन। मैंने ऑलरेडी ट्रू सिलोन सिनेमन के ऊपर वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप जरूर वो वीडियो देखें। अभी मैं ऐड करने वाला हूँ 1 टेबलस्पून दही नॉर्मल कर्ड। फिर नेचुरल फ्लेवर लाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ फ्रूट्स, मुझे पर्सनली पसंद है पपैया और बनाना जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हो। अभी मैं ऐड करने वाला हूँ 1 टेबलस्पून नेचुरल अनस्वीटन पीनट बटर। Blend it until it is smooth and creamy. और दोस्तों हमारी ब्रेन बूस्टर स्मूथी तैयार है। So that's it for this video, friends. I hope you all will definitely try the simple and easy recipes at your home and enjoy all the benefits of flaxseed. डेफिनेटली फ्लैक्सीड जो है वो एक सुपर फूड है दोस्तों, इन्जॉय कीजिए ये रेसिपीज़। और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो डेफिनेटली रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। कुछ क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ दोस्तों। और अगर कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे ज़रूर पास ऑन करें वो आपका फीडबैक। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो फीडबैक का इम्प्लीमेंट करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। So that's it for this video, friends. This is Shyam Saman signing it off for Power of Nutrition. I will see you all with my next video soon. Until then, goodbye. Take care. Do some exercises at home. Take care of yourself. Cheers. Bye.